हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे। पिछली बार हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में देखा था, जब दोनों एंड फिक्स थे तब हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखा था, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किया था और डायग्राम बनाया था। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वन एंड फिक्स दिया हुआ है एंड अदर एंड जो है लास्ट एंड है वो सिंपली सपोर्टेड है, और यहाँ पे पॉइंट बी भी है वो सिंपल सपोर्ट है। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि इसमें कैसे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी को लॉक करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं, लॉक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को लॉक करने का मतलब क्या है, जो एंड फिक्स नहीं दिया हुआ है, जो सपोर्ट फिक्स नहीं दिया हुआ है, उसको हमको फिक्स मानकर चलना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी अब फिक्स हो गए हैं और यहाँ पर सी तो ऑलरेडी फिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं दोनों एंड फिक्स हो गए हैं। तो अब ये दोनों एंड फिक्स हो गए, इसका मतलब क्या है, ये एक स्पान है, एक स्पान के दो एंड फिक्स हो गए और दूसरा स्पान है, इस स्पान के भी एंड फिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे, जो है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो इसको स्टेप वन बोल सकते हो, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, एम एफ ई। एम क्या हो गया, मोमेंट, एफ फॉर फिक्स, और हम ए से बी के लिए निकाल रहे हैं। तो जब ए से बी के लिए हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे तो ए में जो रोटेशन है मोमेंट का वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये वाला जो लोड है वो इस स्पान के सेंटर में दिया हुआ है, सेंटर में दिया हुआ है, तब इसके लिए फॉर्मूला बनता है डब्ल्यू एल बाई एट, डब्ल्यू एल बाई एट ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू है आपका 30, एल है टोटल 5 और 8, तो इसको कैलकुलेट करने से आपका आ जाएगा 18.75 किलो न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट ए से बी को अगर हम देखते हैं। तो फिर उसी तरह हम निकालते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट बी से ए निकालते हैं, बी से ए निकालते हैं, सेम चीज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल बाई एट, प्लस डब्ल्यू एल बाई एट निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 18.75 किलो न्यूटन मीटर। आप लोगों ने देखा हमने क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, सबसे पहले क्या किया है, जो एंड फिक्स नहीं है उसको फिक्स लिया है, लॉक कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया है। फिर स्टेप वन में हमने क्या किया है, फिक्स एंड मोमेंट निकाल रहे हैं, फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे तो एफ एम एफ ए बी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट लोड सेंटर में दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स एंड के लिए डब्ल्यू एल बाई एट, और चूंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा इसलिए माइनस आया हुआ है, इसको कैलकुलेट करके हमने निकाला है -18.75 किलो न्यूटन। इसी तरह अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, जब मैं बी से ए में निकालूंगा तो ये प्लस 18.75 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट एफ एम एफ बी सी निकालेंगे, फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट एम एफ सी बी निकालेंगे। अब हम देखते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट एम एफ बी सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूडीएल ओवरऑल दिया हुआ है, ओवरऑल यूडीएल है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, फिर से देखिए ये एंड में जो मोमेंट अब डेवलप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा, और ये यूडीएल दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12,
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। इस फॉर्मूले से अब हम फिक्स मोमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे 20 है डब्ल्यू का वैल्यू, एल दिया हुआ है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 15 किलो न्यूटन मीटर। अब सेम है एम एफ सी बी निकालेंगे, सी बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू, वैल्यू रख देंगे सेम वैल्यू आ जाएगा प्लस में, तो 20 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस 15 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कैसे हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं, कैसे हमने पहले दोनों जो एंड है, जो सपोर्ट है, जो फिक्स्ड एंड नहीं है उसको हमने फिक्स माना, उसके बाद हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला है सभी में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पिछले बार हमने क्या किया था, अब हमने क्या किया है, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लिया है, अब हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस टेबल में क्या है, देखिए क्वेश्चन में एक ही जॉइंट है, जॉइंट बी, तो जॉइंट बी से ए में गए, फिर जॉइंट बी से सी में गए, तो बी ए और बी सी के लिए हम निकाल रहे हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस। देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ई आई को कॉन्स्टेंट लेके चलना है, ठीक है, तो ई आई को कॉन्स्टेंट लेके चलना है, तो आई तो दिया हुआ है कॉन्स्टेंट, तो आई बाई 5। देखिए ए बी का लेंथ क्या है, 5 मीटर, ए बी का लेंथ क्या है 5 मीटर, तो हमने ये आई बाई 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये भी बचा हुआ है, ए बी का लेंथ क्या है 5, तो हमने आई बाई 5 लिख दिया। अब बी सी क्या है, सी क्या है हमारा फिक्स्ड एंड है, ठीक है, तो आई कॉन्स्टेंट है इसमें भी, तो आई बाई लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर फिक्स्ड एंड है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ए एंड क्या है, हिंज है, पॉइंट सपोर्ट है, तो जैसे पॉइंट सपोर्ट दिखता है आप लोगों को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये एक और तरीके से निकलेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक और तरीके से निकलेगा, हम इस क्वेश्चन के लास्ट में देख लेंगे इसका डिटेल कि ये कैसे आया, ठीक है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3i/20 आ जाएगा, 3i/20, और ये i/3 है। अब हमको क्या करना है, सम इन दोनों को जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3i/20 प्लस i/3, ये करने पे आ जाएगा 29/60i, 29/60 आ जाएगा, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब बी ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा वो निकालना है, तो सिंपल है, बी ए का रिलेटिव स्टिफनेस क्या था, 3i/20, तो 3i/20 डिवाइडेड बाय 29i/60 कर देंगे तो बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमको मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो 3i/20, तो अगर मैं बटे में लिखता हूँ, बटे में लिखता हूँ बड़ा बटे लगा के, तो 29/60 हो जाएगा, तो बटे ये 60 ऊपर चले जाएगा और ये 29/5 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पे देखिए आई और आई कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0.310 आ रहा है। इसी तरह हम बी सी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, बी सी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा, रिलेटिव स्टिफनेस बी सी का दिया हुआ निकला है i/3, तो इस i/3 में डिवाइड कर देंगे सेम इसी को 29i/60 को, हम यही करेंगे तो i/3 में डिवाइड करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 60/29i, इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.689 आ रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमको इस तरह से निकालना है। चलिए आगे देखते हैं हम कैसे आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, टेबल में वैल्यू रख के सारे एंड में मोमेंट मोमेंट कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया था, अब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं।
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, आप लोगों को ये टेबल बनाना है ए बी सी, तीन पॉइंट तीन जॉइंट दिए हुए हैं बीम में, तो हमने तीन ये बना लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया था वो हमने लिख लिया, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या आए थे वो हमने लिख लिया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एम एफ ए बी कितना आया था माइनस 18.75, और एम एफ बी ए कितना आया था प्लस 18.75। इसी तरह एम एफ बी सी आया था माइनस 15 और एम एफ सी बी आया था प्लस 15। तो ये क्या है हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब हम देखिए आगे क्या करते हैं, अब क्या करना है आप लोगों को बैलेंस करना होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए प्लस 18.75 माइनस 15 दोनों को ऐड कर ली तो प्लस 3.75 आ गया। जैसे प्लस साइन आया जोड़ने पे तो बैलेंस क्या हो, कैसे हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तब, तो हमको क्या करना है प्लस 3.75 को गुणा कर देना है 0.31 से, तो हमारा आ जाएगा प्लस 1.16 आ जाएगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1.16 हमको लिखना पड़ेगा, तो माइनस 1.16 हमको लिखना पड़ेगा। इसी तरह देखिए इसको ऐड करने पे कितना आया था प्लस 3.75 आया था। अब प्लस 3.75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.689 से, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस 2.58 आ जाएगा। और अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैलेंस, तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस 2.58, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये आ जाएगा माइनस 2.58 आ जाएगा। अब देखिए ए पॉइंट क्या है, सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है मतलब हिंज सपोर्ट है, और उसमें मूवमेंट क्या होता है जीरो, तो जीरो होता है, तो ये जीरो कैसे हो जाएगा, माइनस 18.75 में अगर मैं प्लस 18.75 ऐड कर दूं तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो यही हमने किया है। और पॉइंट सी क्या है, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड में मूवमेंट जीरो नहीं होता है तो ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा डैश। तो इस वर्क को हम बोलते हैं बैलेंस करना, बैलेंस हमने किया। अब तो क्लोज कर देते हैं, अब आगे क्या करना होता है कैरी ओवर। कैरी ओवर मतलब अब मोमेंट को हमको बांटना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस 1.16 है उसका हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर, और प्लस 18.75 है उसका आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर। इसी तरह माइनस 2.58 है उसका आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी साइड, और डैश का तो डैश ही रहेगा। तो हम देखते हैं माइनस 1.16 का हाफ अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा माइनस 0.58 आ जाएगा, और उसी तरह प्लस 18.75 का हाफ करते हो तो ये आ जाएगा प्लस 9.37। ये प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, ये डैश का डैश ही रहेगा, और ये माइनस 1.29 आ जाएगा, तो ये कैरी ओवर हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, फिर से बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तो फिर से हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लस 9.37 है और डैश है, तो ये तो 9.37 ही रहेगा प्लस में, फिर क्या करना है प्लस 9.37 का मल्टीप्लाई करना है 0.31 से, जो वैल्यू आएगा उसको माइनस में लिखना है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 2.9 आ रहा है प्लस में, हमको बैलेंस करना है तो माइनस में लिखना है, ठीक है। क्या कि हमने प्लस 9.37 को मल्टीप्लाई किया 0.31 से तो प्लस 2.9 आया, हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमको माइनस में लिखना है। उसी तरह प्लस 9.37 का को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.689 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.45 आ जाएगा, और अभी हम बैलेंस कर रहे हैं तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। बस कुछ नहीं करना है, जो पहले जैसा स्टेप है उसको हम यहाँ लेके आए हैं। फिर ये फिर से हमको पता है ये सिंपल सपोर्ट है, यहाँ मोमेंट जीरो होगा, तो माइनस 0.58 को बैलेंस करेगा प्लस 0.58, ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे तो डैश है कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर से हम क्या करेंगे,
फिर हम कैरी ओवर कर देंगे, फिर से हम कैरी ओवर कर देंगे, देखिए क्या कैरी ओवर होता है। तो -2.9 को कैरी करता है तो करेंगे तो ये -1.45 हो जाएगा, और -0.58 को कैरी करेंगे हाफ तो +0.29 आ जाएगा, +0.29 आ जाएगा। इसी तरह ये तो डैश का डैश ही रहेगा, और -6.45 को हाफ डिवाइड कर हाफ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3.2 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, कैरी ओवर कर दिया। अब कैरी ओवर करने के बाद बैलेंस लास्ट स्टेप होता है, किसी के कोई लूप है कि तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए फिर से देखिए +0.29 है और ये तो डैश है, तो +0.29 इंटू 0.31 करते हैं तो प्लस में ही आ जाएगा, उसको हमको लिखना है माइनस में, तो -0.089 आ जाएगा। और उसी तरह +0.29 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.689 से तो प्लस में आएगा 0.19 आ रहा है, तो हमको माइनस में लिखना पड़ेगा। और फिर से ये तो डैश ही रहेगा और ये +1.45 हो जाएगा। इतना करने के बाद इसके बाद और आगे कर सकते हो, या तो इनको जोड़ के आपको देख लेना है कितना आ रहा है। अगर ऐड करने पे इधर प्लस में जितना वैल्यू आ रहा है और इधर ऐड करने पे माइनस में वैल्यू आ रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट आते हैं, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, सही जा रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी को ऐड करने पे, इन सभी को अगर ऐड करते हैं, ये इसका स्टेप मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये आपको नीचे लिखना है, ये आपको नीचे लिखना है, और ये हो जाएगा प्लस में आ रहा है, इसको ऐड करने पे 24.26 आ रहा है, और ये आ रहा है आपका 24.22 आ रहा है, बट इसको आप 26 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका आ रहा है प्लस में, ये माइनस में आ रहा है, माइनस ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा 10.51 आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है, इसको आपको लिखना है फाइनल मोमेंट, ये होता है हमारा फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट हमने निकाल लिया, देखिए इसके बाद आप और स्टेप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 या 4 स्टेप तक इसको करके छोड़ सकते हैं, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ तक। क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड, मतलब जो लोड आ रहा है उसके नीचे, मतलब या वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, हम वो निकालेंगे, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो पहले मॉस में निकालते थे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में, है ना, वो क्या हो जाएगा। तो अंडर द पॉइंट लोड दिस 30 kN पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, तो एम डी डी में मोमेंट कितना आ जाएगा, देखो ये पॉइंट लोड है और ये स्पान के बीचों बीच है, इसके लिए फॉर्मूला होता है WL/4, तो WL/4 को हमने कैलकुलेट किया तो 37.5 किलोन्यूटन आ गया, किलोन्यूटन मीटर। अब हम निकाल रहे हैं मोमेंट अंडर दिस, ये UDL है, UDL के बीचों बीच पॉइंट लोड हमको निकालना है, मोमेंट निकालना है, तो E में क्या हो जाएगा, ME इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL²/8, तो इसको हम निकालते हैं तो आ जाएगा 22.5 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे डेटा आ गए हैं, अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो देखिए वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ कर दो, फिगर ड्रॉ कर दो, ये फिगर जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब जिस जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू मिला है उस सारे पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर दो, तो ए को हमने प्रोजेक्ट किया, डी को, बी को, ई को और सी सभी को हमने नीचे प्रोजेक्ट किया। अब क्या करना है आपको, पहले देखो एक बेस लाइन खींच लिए, एक बेस लाइन हमने खींच लिया, अब हम मान लेते हैं चलो इस वाले मोमेंट को पहले हम शो कर रहे हैं, तो हमको मानना पड़ेगा, देखिए
डी वाला पॉइंट ये है। अब हमको या तो स्केल ले लो या तो सिंपल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस पॉइंट से यहाँ कहीं दूरी तक वैल्यू है 37.5, ठीक है। और इसी तरह ई में हमारा मोमेंट क्या आया था, 22.5, तो ऑब्वियसली इसके कहीं नीचे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया 22.5, ठीक है। अब हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में निकाला था, बी में मोमेंट निकाला था 24.26, मतलब क्या होगा, ये वाला 22.5 है, तो यहाँ कहीं से 24.26 इसके ऊपर ही होगा, तो हमने थोड़ा सा ऊपर ही बनाया है यहाँ पर। और पॉइंट सी में क्या मिला था, 10.51, तो इस 22.5 के नीचे हमने कहीं बनाया है 10.51, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इस मोमेंट को निकाला लिखा और इस मोमेंट को लिखा, तो यहाँ पर तो पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, ट्रायंगल, तो हमने ट्रायंगल सीधा स्ट्रेट मिला दिया, ये सब पहले बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूडीएल है, यूडीएल के लिए क्या बनता है, पैराबोला बनता है, कर्व फॉर्म पे बनता है, तो हमने कर्व बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अच्छा ए में तो जीरो आ रहा है तो ये जीरो ही रहेगा, उसी तरह बी में 24.26 हमने पॉइंट लोकेट कर दिया, और सी में 10.51 आ रहा है, सभी को कुछ नहीं सिंपल मिला देना है इस तरह से, ये हमने मिला दिया, ठीक है। जो हमने हैच पोर्शन किया है वो शो कर रहा है, बता रहा है ये आपका वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेंगे कमेंट्स में, कमेंट्स में आप लोग पूछ लेंगे कुछ डाउट होगा तो, ठीक है, थैंक यू।